आप जब ट्रैवल करते हो ना तो बहुत सारी मेमोरीज बनाते हो, इतनी सारी मेमोरीज की हर चीज़ व्लॉग में डालना भी पॉसिबल नहीं होता है। इंसान में कितना अजीब होते हैं ना, पहले हमें कुछ चीज़ चाहिए रहती है, वो चीज़ मिल जाती है तो हमें फिर कुछ और उससे बड़ी चीज़ चाहिए रहती है। सामने घर है मेरा, तो वो एक ही फ्लोर है उसके पास बंदे के पास, इसमें पूरा उसने बालकनी अच्छे से बनाया। ऑब्वियसली मैं कैमरा पॉइंट नहीं कर सकता, वो मैं जब भी वो घर देखता हूँ शायद शायद आई फील लाइक यू नो वन डे आई हाउस लाइक दैट। बट क्या मतलब, मुंबई में इतना बड़ा घर लेके कोई मतलब नहीं है। मैंने ये घर लिया था तो मुझे लगता था कि शायद ये घर छोटा फील होगा, लेकिन नहीं, ये घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा फील होता है। इवन दो इट्स 2 BHK, मेरा पुराना घर भी 2 BHK था, बट पुराना घर में बहुत ज़्यादा फर्नीचर। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये जो कारपेट है हमने यहाँ रखा है, इसको पूरा अच्छे से पूरा झाड़ा था, वैक्यूम किया था, और ये देखो कुछ दिनों पहले मेरे यहाँ पर भी नया आया। टेक्निकली ये कारपेट शैलेंज साइड में आ रहा था, लेकिन शैलेंज वाले तो अपने साइड में रखता हूँ। सुबह सुबह जब भी उठता हूँ पैर रखता हूँ, ओ हो, एकदम मज़ा आ रहा है इस वाली फीलिंग। आपको हमेशा बोला कि सुबह सुबह उठ के मैं क्या खाता हूँ पीता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं घर का काम भी सुबह सुबह उठ के करता हूँ, वो ये होता है कि मैं हमेशा 2 चीज़ों में पानी भरता हूँ। एक तो जो इसमें हमारा फ्रिज में डिनर है, इसमें पानी फुल करो, और ये जो हॉट कप है इसमें पानी फुल करके पानी गर्म करो जो अभी हो रहा है। फिर जितने भी हमारे कपड़े हैं गंदे, वो इसको वॉशिंग मशीन में लोड करो, बाद में जब भी धोना है। वो शैलेंज का काम है, मेरा काम नहीं है। और जितने भी कप्स और ग्लासेस है उसको मैं सिंक में रख देता हूँ, और बाद में हमारे मेड आके धो देती है। और ये वजह करने की ये है कि सुबह सुबह आप उठते साथ जितना फिजिकली एक्टिव हो जाओगे वो बेटर है। आपने देखा होगा यूजली सुबह सुबह लोग जॉगिंग में जाते, तो हम फिलहाल जॉगिंग में तो नहीं जाते, एटलीस्ट घर पर थोड़ा काम कर लेंगे तो एक्टिव होते हो पूरा दिन, उससे एक्टिव रहते हो। पता नहीं इस चीज़ के लिए कैसे रिएक्ट करूँ। एक अच्छी न्यूज़ आई है, लेकिन मुझे बहुत दुखी कर दिया उस न्यूज़ ने। आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे, टाइगर के लिए बायर आ गया है, और शायद टाइगर अभी थोड़ी देर में जाएगी फुल पॉलिश वॉलिश होने के लिए, एंड प्रोबेबली शायद वो वापस नहीं आएगी। सो मी एंड शैनिज वर क्वाइट सैड, एंड आई वाज आस्किंग इज इट अ राइट डिसीजन, इज अ राइट डिसीजन। शैनिज लाइक इट इज़ अ राइट डिसीजन। तो मैं शैनिज को बहुत पहले बोला था कि इमोशनल होकर डिसीजन सिर्फ अपनों के लिए लिया जाता है, चीज़ों के लिए नहीं। ऑल दो टाइगर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इट हैज़ चेंज माई लाइफ एंड द मोमेंट इट एंटर माई लाइफ, बट क्या कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा माई प्रोटीन का लाइव सेशन हमारा हो गया, और उसमें एक बहुत कॉमन सवाल था कि निखिल भाई आप प्रोटीन इस बार लेके गए तो रखा कहाँ था। वेल इसके अंदर रखा था, ये सौफ के जार के अंदर, अभी भी इसके अंदर प्रोटीन है। नेवर हैव आई एवर, एक टाइम पे मुझे ऐसे शोज बहुत अच्छे लगते थे, प्रॉब्ली अब मुझे पता नहीं, मुझे थोड़े मेच्योर कॉन्टेंट, आई एम एन अंकल नाउ, शैनिज इज स्टिल अ यंग टीनेजर। So Shyam, I'm going and doing my workout. To watch show like time travel, mystery, thriller and all that. So you watch? I'm gonna go and work out. कुछ सामान ऑर्डर किया था, मतलब ऊपर क्या लेके जाऊँ, क्योंकि एक बार ऊपर फिर से गया ना तो फिर नीचे आने का बहुत त्रास होता है। गाड़ी, अरे मैं भूल गया गाड़ी नीचे पार्क की। स्लिप आउट ऑफ माय माइंड, मैंने ऑडी की जगह खड़ी की है वेन्यू, बिकॉज ऑडी गई है। आज जो है वो कल से बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट हुआ, प्रॉब्ली कल लिटरली मुझसे एक्सरसाइज हो ही नहीं रही थी, मैंने पुश किया अपने आप को, और आज आराम से मक्खन की तरह हुआ, एक ही दिन में इतना फर्क। अब जब ट्रैवल करते हो ना तो बहुत सारी मेमोरीज बनाते हो, इतनी सारी मेमोरीज की हर चीज़ व्लॉग में डालना भी पॉसिबल नहीं होता है। उसी हिसाब से मेरी टाइगर और स्पेशली ये टाइगर के पैनियर्स ने बहुत सारी मेमोरी बनाई है। अभी देख सकते हो ये जो हल्के पुल के स्क्रैच मार्क्स है, ये तभी आया है जब उल्लाका से क्रॉस कर रहा था और किसी ने मुझे दबा दिया था, हल्का से टच हो गया वाले पैनियर्स का। एक्चुअली ये जो हल्का सा देख रहे हो जो कि चले गया, ये एक सब्सक्राइबर ने अपनी गाड़ी से टच कर दिया था, उसकी भी गलती नहीं, इसको हाय बोलना था, इसके लिए मैं बोलता हूँ समझ के चलाया करो। तो ये पैनियर्स अभी गंदे मस्त पॉलिश होंगे और ये जाएंगे इसके नए ओनर के पास। एक बार में दोनों पैनियर्स गिम्बल और कैमरे को लाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन तुम्हारे भाई ने करके दिखाया। कोई और होता तो उसको बोलता कैमरा पकड़ के दिखा कैसे कैसे हालत में ला रहा हूँ मैं। मतलब मैं दूसरी बार जिम गया, जब जब जिम से वापस आओ शाइनेस का फेस कुछ ऐसा रहता है, एकदम फुल डेक्ड अप मेकअप। वर्कआउट करता हूँ, पति वर्कआउट कर रहा है, बीवी रील्स बना रही है। ये लो, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, बट वहाँ पर जो है हल्का 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 फॉग है। कल रात को क्या हो गया था पता है, ये पूरा एरिया फॉग में कन्वर्ट हो गया था, पूरा गया भी जिम तो भी ऐसा पूरा फॉग। खूबसूरत लगता है, अगर अभी थोड़ा फॉग आया तो आपको दिखाऊंगा। और सोचो ये एवोकाडो है, और ये सॉरी एवोकाडो 151 150 रुपया। अच्छा हुआ 150 रुपए का एक, वो क्या बोलते
इम्पोर्टेड एवोकाडो नहीं मंगाया, एनाकोंडा नहीं मंगाया, वरना 320 रुपए का था एक। इसके लिए रिजोन और सुमेरा ने ब्रेकफास्ट मिस नहीं किया, बिकॉज़ ब्रेकफास्ट में सब बहुत रहता है। तुझे पता है यूएस में कितने रुपए का मिलता है एवोकाडो टोस्ट? लाइक यू गेट टू टोस्ट ऑफ एवोकाडो फॉर $18, पर 150 रुपए से बना रहे घर पे, इट्स वेरी गुड। ठीक है, पर कमाई भी वैसी होती है, पर कमाई अपने रुपीज में, डॉलर में कमाते हैं लोग। सो व्हाट आर यू मेकिंग फॉर मी नाउ शैनस? एवोकाडो टोस्ट। इज दैट? दिस इज एवोकाडो। दिस इज एग। बना रही है एवोकाडो टोस्ट, जब बन जाएगा तभी दिखाऊंगी, देखो समझेगा नहीं। हेल्दी, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर, एंड इट इज रेडी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, एंड इट इज हेल्दी आल्सो। थैंक यू सो वेरी मच। खा के देख पहले, फर्स्ट टाइम मेकिंग है। तो हर चीज अच्छा बनाती है, तेरे हाथ में वो है अन्नपूर्ण देवी। आई डोंट थिंक इट्स अर्न, इट्स कॉल्ड अन्न, अन्नपूर्ण। इसको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये एज सिंपल सा एप्पल कटर, ताकत लगानी पड़ती है। और ये हो गया लोटस टपक चल जाओ। बीच में वाला पार्ट देखो कैसे जाता है, बीच वाला पार्ट। टाइगर को मेरे तरफ से एक गुड बाय पप्पी देना और बोलना थैंक यू सो मच हमारा इतना ध्यान रखने के लिए और इतने अच्छे एडवेंचर्स पे ले जाने के लिए। ओके, तो हमारी टाइगर का जाने का समय आ गया है, और आप मानोगे नहीं, मेरे को यही चाबी का किचन के साथ मिली थी, और मैंने चाबी को ऐसे का ऐसे ही रखा है, और डुप्लीकेट चाबी को हाथ तक नहीं लगाया। इसमें एक्स्ट्रा चाबी है टैंक की, वो भी देता हूँ मैं। पैनियर्स गाड़ी में रख दिए गए हैं, और एक और चीज़ जिसको नहीं मालूम, ये रहा इसका ओरिजिनल टैंक जो कि साहिल भाई ने रैप किया है। तो जैसे मैंने बाइक बेचने का बोला था, मुझे अनबिलीवेबल लोगों के मैसेज आए थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स थे उसमें, लेकिन टू नॉट टू कॉम्प्लिकेट थिंग, साहिल भाई का फ़ोन पहले आ गया था, बोला कि भाई मैं कर दूंगा, और तो उनको 3 सब्सक्राइबर डायरेक्टली इनको फ़ोन किए, और बाद में इन्होंने बोला भाई मैं करता हूँ। अभी क्या है कैसा मुझे कुछ नहीं पता, मैंने बोला मुझे कुछ मत बोलो, बाइक लेके जाओ, बाइक ऑलमोस्ट इज लाइक एज गुड एज न्यू, फुल पॉलिश करेंगे, टॉप बॉक्स पॉलिश करेंगे, सब दे दिया इनको मैंने। हाँ, आप देखो भाई, तो 2-3 दिन में करेंगे अपने। अभी अभी मैं इसको अलग नजरे से देख रहा हूँ, इतने साल से पड़ी रहती थी, तो एकदम आई वॉज टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, बट नाउ जैसे आ रही है वैसे जा रही, थोड़ा बुरा लग रहा है। लास्ट राइड ऑन द टाइगर, पीछे बैठ के मस्त हुआ। ये हमारी आखिरी राइड थी एज ए पिलियन, साहिल भाई को चलाना था, उन्होंने चला लिया। कैसा लगा? मजा आया ना। ये बाइक ऐसी है ना भाई, किधर भी लेके जाओ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आडियोस अमिगोस फॉर द बाइक। बहुत सालों पहले की बात है, जब मैंने अपनी CRV बेची थी, तब ऐसे ही मैंने वो बंदा जा रहा था, और मुझे बड़ा बहुत दुख हुआ था, आज भी मुझे बहुत दुख हो रहा है, मतलब मैं कभी देखने वाला नहीं हूँ अपनी बाइक को। तो अच्छा भी लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा चलाएगा जो बहुत दूर चलाएगा, बुरा भी लग रहा है कि मेरी थी एंड It's gone. Oh, I gave the bike the kisi you wanted. You did? आज की मूवी नाइट में एक हिंदी पिक्चर थी, यूजुअली मैं और शैनिस, मतलब लेटली कोई अच्छी हिंदी पिक्चर रिलीज हुई नहीं, सिर्फ हिंदी वेब सीरीज अच्छी रिलीज होती है, लेकिन एक पिक्चर जो कि है तूफानी खत्म हो रही है अभी। ओ माय गॉड, फरहान अख्तर ने क्या चुम्बेश्वर काम किया है इसमें यार, व्हाट अ मूवी मैन। कसम से बोलता हूँ इस मूवी का ट्रेलर जस्टिस ही नहीं करता, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फरहान अख्तर इज सच एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। 2013 में भाग मिल्खा भाग के बाद मुझे रनर बनना था, और मैं रनर बनने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक इंसिडेंट हो गया था, जो भी है। अभी मेरे को फिर से, अभी अगर मैं टीनेजर होता ना, तो मैं कहता था बॉक्सर बनने चले जाता। तो ये मोटिवेट हो गया, फुल मोटिवेट हो गया। अभी मतलब ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हो, अभी फरहान अख्तर के ये मूवी ने मुझे और एक मोटिवेशन दिया, ट्रांसफॉर्मेशन 26 वाला ऊपर नीचे करेगा रोज, आराम से कर सकता हूँ वो, तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे सब स्पोर्ट्स की मूवी में मुझे लव एंगल जो आता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहता है, लेकिन इस पिक्चर में वो लव एंगल तो कमाल है, 10/10 देखो जाके। मुझे पता नहीं था राज को क्यों था शैनिस, व्हाट डू यू थिंक? हम लोग लोनावला में कि हिमाचल प्रदेश में? ये देखो गाइस, बाहर फॉग, देखो ये पूरा फॉग कवर हो गया, इन द क्लाउड्स, हम लोग क्लाउड्स में है। Yeah, so we are actually in the cloud. ये पूरा क्लाउड ने कवर कर दिया है। बोलती हूँ लाइक हीरानंदानी में रहना इज लाइक नॉट लिविंग इन मुंबई, इट्स लाइक लिविंग इन अ हिल स्टेशन इन द रेन। भैया ऐसे टाइम में मेरा पूरा एक रुपया वसूल होता है। वाओ, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल मैन, है ना? या इन द क्लाउड्स, वी सेम ही एक्सपीरियंस, बट हम लोग की सेकंड लास्ट फ्लोर पे, हां उन लोग हम लोग को ऐसा देखते रहेंगे, और हम लोग उनको ऐसा देख रहे हैं। ना वेदर ऐसा हो गया ना कि नींद आती रहती है पूरा टाइम, लेकिन जो भी है जैसा भी है, आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, विद दैट सेड एज ऑलवेज, शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट, आवर लवली फ्रेंड्स, एडियोस अमीगोस।
see you in the next workshop again.